नमस्कार, एक फिर स्वागत है आपको टुडेज़ के हमारे इस न्यूज़ कार्यक्रम में। और जो अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है, आज यानी कि नववर्ष के दिन पहले ही दिन बेहद ही चौंकाने वाली है। जी हां, अभी की बड़ी खबर ये कि नहीं रहे कादर खान, अस्पताल में ही तोड़ा दम। जी हां, इस साल के पहले ही दिन बॉलीवुड के एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार कादर खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 81वें साल की उम्र में उन्होंने शाम को 6 बजे अपने अंतिम सांसें ली। पिछले कुछ दिनों से वो जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे थे और हाल ही में खबर आई थी कि कादर खान की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बाईपेप वेंटिलेटर पर रखा है। वो अपने बेटे के साथ कनाडा में हैं और सोशल मीडिया पर लोग उनकी लंबी उम्र की सलामती की दुआएं भी मांग रहे थे। लेकिन इसी बीच कादर खान के साथ कई फिल्मों में नज़र आ चुकी रवीना टंडन ने भी उन्हें याद करते हुए उनकी सलामती की दुआएं मांगी थी। हालांकि इसके कोई पॉजिटिव परिणाम तो नहीं आए और आखिरकार कादर खान अलविदा कह गए हैं इस दुनिया को। बता दें कि उन्होंने अपने यानी कि रवीना टंडन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि कादर जी, आप हमारी प्रार्थनाओं में बने हुए हैं और हम आपको याद कर रहे हैं। आशा करती हूं कि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे और हमने एक साथ कई बेहतरीन फिल्में की हैं और ये जानकर के मुझे बेहद खुशी होगी कि अब आप ठीक हो गए हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दे सर। वहीं इससे पहले बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर पर खान की सलामती और जल्द सेहतमंद होने की दुआ की थी। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर खान की सलामती और जल्द सेहतमंद होने की दुआ भी की है। उन्होंने ट्वीट किया था कि कादर खान बेहद क्षमतावान लेखक और अभिनेता है और अभी अस्पताल में भर्ती है। उनकी सलामती और सेहतमंद होने के लिए प्रार्थना और दुआ करता हूँ। उन्होंने मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखा है और उन्होंने मेरी फिल्मों के संवाद भी लिखे हैं। बेहतरीन इंसान और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि गणित भी पढ़ाते थे कादर खान। तो ऐसी जानकारियाँ कुछ दिन पहले ही अमिताभ बच्चन ने भी शेयर किया था। लेकिन अफसोस की बात, और अभी अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि नहीं रहे कादर खान, जिंदगी और मौत की लड़ाई में वो ये जंग हार चुके हैं और पूरा बॉलीवुड, पूरा देश इस न्यूज से सकते में है। सभी लोग अपनी तरफ से दुआएं कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे तरफ से भी उन्हें ट्रिब्यूट है कि कादर खान, अब आपकी आत्मा को शांति मिले। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें हमारे न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।